केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भले ही करोड़ों रुपया खर्च कर रही हो, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। देश की सबसे बड़ी तहसील मऊरानीपुर की हम बात कर रहे हैं। मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीते दिन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण करने आए, लेकिन अधीक्षक के द्वारा इतना आबादर और सत्कार किया कि वह जिस कार्य के लिए सरकार के बजट से आए वह भूल गए, या अधीक्षक के द्वारा उनको अपने ही चुंगल में फंसाकर वह चिकित्सा अधीक्षक के कमरे में बैठकर चाय पानी पीकर निरीक्षण का कोरम पूरा करके चलते बने। जबकि मरीज और मरीजों के साथ आए लोग अस्पताल की अव्यवस्था, चिकित्सकों कर्मचारियों की लापरवाही और दबाव को बाजार से खरीदने को मजबूर करने के संबंध में अपनी बात कहने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन अधीक्षक के सामने सीएमओ बोन नजर आए और वो वार्ड में जाने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाए और मरीजों को पता भी नहीं चला सीएमओ साहब कब मुख्यालय के लिए निकल गए। शायद उन्हें भी अस्पताल की गतिविधियों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था, क्योंकि महिला चिकित्सक और पुरुष चिकित्सक अपने आवासों पर प्राइवेट रूप में मरीजों को देखते नजर आ रहे थे। भगवान कहे जाने वाले इन इलाज के देवताओं का तंत्र इतना मजबूत है कि इनके सामने सीएमओ का कोई भय नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र पर दलालों का इतना बड़ा जाल बिछा है कि चारों ओर उन्हीं का साम्राज्य है। झांसी से गिरबर सिंह की रिपोर्ट।